दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 6 सीक्रेट बताने वाला हूं एंड्रॉयड के, जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। दोस्तों बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वासुटेक चैनल पे। जी फ्रेंड, सबसे पहला सीक्रेट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहला सीक्रेट मैं आपको बता दूं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जब भी हम अपना फोन किसी को देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि हमारे फोन से ये कहीं नंबर ना लगा दे, या हमने बच्चे को ही फोन दिया तो गलती से कभी कभार वही नंबर लगा देते हैं। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं। तो आपको अपने मोबाइल के डायलर पैड पे चला जाना, वहां पे आपको एक सीक्रेट कोड डायल करना पड़ेगा। तो वो सीक्रेट कोड कौन सा है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पे आपको एक सीक्रेट कोड डायल करना है *31#, और इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके जितने भी आउटगोइंग कॉल बंद हो जाएंगे। इससे क्या है, अगर आपका फोन कोई चला आ रहा है तो गलती से कहीं कॉल लगाना चाह रहा है तो कॉल नहीं लगेगी, और फिर अगर आप वापस से फोन लेते हैं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, मतलब डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से अपने मोबाइल के डायलर पैड पे जाना है, वहां पे आपको अगेन एक सीक्रेट कोड डायल करना पड़ेगा *31#। जैसे आप इसको ओके करेंगे उसके बाद आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने मोबाइल की आउटगोइंग कॉल बंद कर सकते हैं जब आप अपना फोन किसी को देते हैं तब, और वापस लेते हैं तो फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों कमाल का सीक्रेट कोड है, जोर से इसे इस्तेमाल कीजिएगा। अब दोस्तों जो मैं आपको दूसरा सीक्रेट बताने वाला हूं, ये आपको दोस्तों जरूर से करना चाहिए। वो आप अपना नया मोबाइल लेते हैं तब करना चाहिए, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसको प्लीज जरूर से कर लीजिएगा। इसका आपको करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे करते हैं और इसका फायदा क्या रहने वाला है दोस्तों। तो जैसा कि आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जैसे दोस्तों आप जाएंगे तो वहां पे आपको सिक्योरिटी और लोकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फाइंड माई डिवाइस, इसको आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है दोस्तों। अब इसका फायदा क्या है वो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ। जब भी आप इसको ऑन कर दे दोस्तों, तो आपका अगर मोबाइल गलती से खो जाता है या कोई चुरा लेता है तो इसकी मदद से आप अपने फोन को ढूंढ पाएंगे। कैसे ढूंढ पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आप अपने डेस्कटॉप में या पीसी में जाकर के अपने वही जीमेल आईडी डालिए जो आपके मोबाइल में एक्सेस हो रही है। जैसे आप उसको डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल की लोकेशन बता देगा। अगर आप चाहते हैं आप अपने मोबाइल का डेटा रीसेट करना चाहते हैं तो अपने लैपी से ही आप अपने मोबाइल के डेटा को रीसेट कर सकेंगे। दोस्तों ये कमाल का फीचर्स है और आपके मोबाइल में ही आता है, आपको इसको जरूर से इनेबल करना है। जिससे क्या होगा, आपके फोन के खोने के चांसेस कम हो जाएंगे। इन केसेस अगर खो भी जाता है तो आप ढूंढ पाएंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने डेटा को रीसेट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा आपके डेटा का मिसयूज नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर से इसे कर लीजिए। तीसरा सीक्रेट जो है वो आपके डेटा को बहुत ज्यादा बचाएगा। जी फ्रेंड्स, आपका जो डेटा है बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। हम लोग चाहे तो इस फोन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, फिर भी हमारा डेटा खत्म हो जाता है। ये काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो भी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आपको क्या करना है, आपके मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने का दोस्तों आपको नेटवर्क और इंटरनेट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाटा यूजर्स। जैसे आप दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों डाटा सेवर का, इसको आपको यहाँ पे ऑन कर देना दोस्तों। ये आपको जरूर से ऑन करना है। इसका दोस्तों मैं आपको फायदा बताता हूँ। जैसे आप दोस्तों इसको ऑन कर देंगे तो आपके जो बैकग्राउंड में जो आपके ऐप चल रहे होते हैं जो आपके डेटा को कंज्यूम करते हैं, वो आप अपनी मर्जी से डिसेबल और अनेबल कर पाएंगे। कैसे डिसेबल और अनेबल कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नीचे ही। तो डिसेबल करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप डेटा पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके जितने भी फोन में जो ऐप पड़े हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर जो भी आपको लगता है कि आपके डेटा को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने से दोस्तों आपका क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड जो में जो डेटा कंज्यूम होता है जो ऐप लेते हैं वो आपका डेटा आसानी से यहाँ से बच जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आपने डेली में कितना डाटा यूज किया वो आपको यहाँ पे शो कराएगा टॉप पर। उसके अलावा आप यहाँ पे डेटा लिमिट भी सेट कर सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप इसको जरूर से ट्राई करें। वैसे दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको ये सीक्रेट, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों जो मैं आपको चौथे नंबर का सीक्रेट बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। हम लोग जब भी गैलरी चलाते हैं तो हम लोग अपने फोटो को जूम और जूम आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम गैलरी का यूज नहीं कर रहे होते हैं, फोन को चला रहे होते हैं, तो अगर हमें जूम करने की बात आ जाए तो हम अपने फोन की डिस्प्ले को जूम और जूम आउट नहीं कर पाते। जी फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बताऊं आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का,
उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैग्निफिकेशन का, इसको आपको ऑन करना है। और यहाँ पे ऑन करते ही दोस्तों आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं पे भी ट्रिपल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। दोस्तों डेमो के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर टैप करके बता दूं, आपको ये ट्रिपल टैप जल्दी जल्दी से करना है। तो जैसे ही मैंने किया दोस्तों, ये मेरी स्क्रीन जूम होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जूम आउट हो जाए तो आपको जल्दी जल्दी फिर से ट्रिपल टैप करना है। तो इस तरीके से आपने ट्रिपल टैप करा दोस्तों, आपकी स्क्रीन जूम आउट होगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को जूम और जूम आउट कर सकते हैं ट्रिपल टैप के साथ दोस्तों। कमाल का फीचर है, अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्रेट की बात करें दोस्तों तो ये भी कमाल का सीक्रेट है। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने फोन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए वो भी आ रहे होते हैं, जो नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए वो भी आ रहे होते हैं। तो आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कैसे कर सकते हैं वो आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने का दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप सेट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा, इसको आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, जैसे कि आप ये सारे ऐप देख पा रहे होंगे जो भी आपके मोबाइल में ऐप है वो सारे के सारे यहाँ पे शो करा रहा है। तो जिस भी आप ऐप का नोटिफिकेशन चाहते हैं यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, और जिस भी ऐप का आप नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं यहाँ से आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको परेशानी नहीं होगी और आपको जो आप नहीं चाहते वो नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएगी। छठवें सीक्रेट की बात करेंगे जो कि लास्ट सीक्रेट है। जी हां फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा कमाल का है। हम लोग प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता दोस्तों वो आपके लिए ऐप अच्छे है या बेकार है, लेकिन फिर भी हम दोस्तों उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डेटा चोरी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता उन ऐप की मदद से ही। आप अगर चाहते हैं कि आपका डेटा चोरी ना हो इन एप्लीकेशन के द्वारा और आपको ये एप्लीकेशन नहीं पता है तो उसके लिए यहाँ पे आपका गूगल हेल्प करेगा। जी फ्रेंड्स, दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट में तीन डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट का। जैसे आप दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसको सेटिंग में जाकर के यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे इनको ऑन कर देना है। ऑन करने से दोस्तों क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे आप इनको ऑन करके छोड़ देंगे तो इससे एक आपका फायदा होने वाला है। वो फायदा ये है दोस्तों कि जब भी आपके मोबाइल में कोई बेकार ऐप है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंटिन्यू और उसको गूगल सर्च कर लेता है, उसको गूगल स्कैन कर लेता है ऑटोमेटिकली दोस्तों, ये होता है आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। उससे क्या होता है दोस्तों, गूगल ऑटोमेटिकली उस ऐप के जो ऑनर है उसको एक नोटिफिकेशन भेजता है कि आपने ये ऐप गलत बनाया और ऑटोमेटिकली उसको डिसेबल कर देता है। ये दोस्तों प्ले स्टोर में एक ऑप्शन आता है और इसका आप काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको ये दोस्तों सेटिंग जरूर से इनेबल करके रखनी चाहिए। तो ये थे वो छह ऐसे सीक्रेट एंड्रॉइड के जो आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे, ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। अगर आपको दोस्तों पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए, और भी ज्यादा अगर पसंद आए हो दोस्तों तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आपके लिए दोस्तों ये वीडियो नॉलेजेबल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऐसे टैक्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।